नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत दास। अपना यूट्यूब चैनल श्रीकांत दास ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आपको तो सबसे पहले अपना दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन साइट में जो वीडियो हम बनाते हैं, बहुत कुछ मशीनरी चलते रहता है, उसके बाद भी आप लोग उसमें अलग साउंड भी आ जाता है, साउंड क्वालिटी उतना क्लियरिटी नहीं आता है, उसके बाद भी हमारा वीडियो आप लोग गौर से देखते हो, फिर आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और उसका रिप्लाई देने के लिए, जैसे हमारा और एक भाई ने कमेंट किया है, उसका रिप्लाई देने के लिए ही मैं आज वीडियो बना रहा है। आप लोग भी हमारा वीडियो देखिए, जो हमारा नए दोस्त लोग हमारा चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो, अपना कटिंग वेल्डिंग और भी बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज जो हम बात करेंगे, कटिंग सेट बैग लेगा तो हमको क्या करना चाहिए। ओके दोस्तों, तो हम पहले ये बात करेंगे कि आपका तो पता ही होगा, या आपका साइड में हम लोग का जो कैसे साइड में जो हमारा सेफ्टी सा हम लोग को सिखाते हैं कि अगर कहीं पर भी आग लग जाए तो क्या करना चाहिए। तो कहीं पर भी आग लगता है तो हम लोग को बोलता है कि आप फायर बाटला से ऑक्सीजन सर्कुलेशन को बंद कर दीजिए। ऑक्सीजन सर्कुलेशन बंद करेगा तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। आग को जलने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तीन चीज़ का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है फ्यूल, एक ऑक्सीजन और तीसरा चीज़ हीट। ये तीन चीज़ अगर उसमें से कोई एक चीज़ हटा दोगे तो आग बुझ जाएगा। तो ऐसे ही जैसे कोई अगर डीजल या पेट्रोल कोई जगह पर रखा हुआ है, अगर आग लग गया तो हम लोग को सेफ्टी साहब क्या बोलता है, आप फायर बटला से उसको फायर करो, उसको ऑक्सीजन सर्कुलेशन बंद कर दो, तभी वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फंडा है दोस्तों, यहाँ पर फंडा से कुछ और है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक में हमारा डी आ रहा है, वो क्या आ रहा है, फ्यूल आ रहा है, और एक में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, उसको जलने में जो मदद करता है। और हम लोग जो लाइटर से जो स्पार्क देते हैं वो है हीट। ओके दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसने मैं इसमें क्या दिया, लाइटर से हीट दिया, हीट देके अभी डीए चालू कर दिया। अभी ये ऑक्सीजन खोला तो ये आग ऐसे बन गया, स्पीड बन गया। अभी ये मैं ऑक्सीजन बंद कर दिया, ये अभी आग बुझा क्या, नहीं बुझा है। क्यों, क्योंकि ये बाहर से ऑक्सीजन लेके जल रहा है। ओके, अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी आप लोग देखा है, मैंने यहाँ पर डीए खोल के इसमें स्पार्क किया तो चालू हो गया कटिंग सेट, फिर ऑक्सीजन दिया तो आग स्पीड बढ़ा। अभी अगर हम बैग लेता है तो दोनों पाइप में, कोई भी एक पाइप में जाएगा, रिटर्न जाएगा। पहले तो आप कोशिश करो कि बैग ना ले। अगर बैग ले लिया तो हमारा यहाँ पर दो फ्लैश बैग अरेस्टर लगा रहता है और रेगुलेटर का पास भी लगा रहता है, जो हमारा पूरा पहले का कटिंग सेट स्टार्ट कैसे करें, अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो हमारा पिछला वाला वीडियो आप देखिएगा, तो उसमें हम बताया है कटिंग सेट कैसे स्टार्ट करने का। अभी अगर ये रिवर्स लिया तो दोनों में से कोई एक पाइप में जाएगा। अगर दोनों में से एक कोई पाइप में जाएगा तो सिंपल सा फंडा है, हमें फ्यूल ही बंद करना पड़ेगा। अगर हम ऑक्सीजन बंद कर देते, ये तो बाहर से ऑक्सीजन ले रहा है, अभी आपने देखा है, अगर ऑक्सीजन हम बंद कर देता हूँ तो ये डी अगर फ्यूल अगर खुला रहता है तो बाहर से ऑक्सीजन लेके जलते रहेगा। तो हमें इसमें फ्यूल को ही पहले बंद कर देना है, यानी कि डी अगर बैग लिया, फटाक से अगर बैग लिया तो पहले हमको फ्यूल बंद कर देना है, उसके बाद ये ऑक्सीजन बंद कर देंगे, थोड़ा प्रेशर दबाएंगे, उसके बाद फिर डीए खोलेंगे, फिर ऑक्सीजन खोलेंगे, ताकि जो रिवर्स गया जो ये वो बाहर आ जाएगा। अगर ऐसा आपको फटाक से करना पड़ेगा, अगर लेट करेंगे तो ये यहीं से गल के गिर जाएगा या होल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और नहीं तो और एक जो हमारा साथ में जो हेल्पर रहता है, वो हेल्पर को बोलने का, पहले से ट्रेंड करके रखने का, जब भी बैग ले तो एक कटिंग सेट का जो पाइप है इसको पैसा मोड़ देगा फटाक से, उसको ट्रेंड करके रखना है कि हमारा अगर मिस्टेक भी हो रहा है, देर हो रहा है, कुछ डर गया तो फटाक से वो पाइप मोड़ देगा, तो वो जो बैग लिया हुआ रहेगा तो वहीं से वहीं कट हो जाएगा, फिर वो दबा देगा प्रेशर। देखो अभी इसको छोड़ेगा चालू, मोड़ेगा देखो बंद, तो ऐसा उसको ट्रेंड करके रखना है। अभी हम पिछला वीडियो में आप लोगों को बोला था, एक बार हम लाइव बैग मारेगा तो उसको दिखाऊंगा, फिर मैंने सोचा कि लाइव दिखाना अच्छा नहीं होगा, ऐसा बैग लेगा तो लाइव दिखाना अच्छा नहीं होगा, इसके लिए मैं अभी इस तरीके से आपको समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा,
अगर ऐसे अच्छा लगा होगा तो हमारा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को कमेंट कीजिएगा। ओके दोस्तों, बने रहिएगा, इसी तरह का वीडियो मैं लाते रहता हूँ। आप लोग जैसे जैसे कमेंट करोगे, मैं धीरे धीरे ऐसा वीडियो लेके आऊँगा। और मैं काम करता हूँ ना, तो काम के बाद हमारा जो भी जब भी थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ। ओके दोस्तों, आप लोग ऐसा मत, हम थोड़ा देर में वीडियो डालता है ऐसा आप मत सोचे कि वीडियो बंद हो गया, चैनल बंद हो गया। धीरे धीरे वीडियो आते रहेगा, पहले तो काम करना पड़ेगा ना, काम नहीं करेगा तो पेट कहाँ से भरेगा, देख रहे हैं आपको। ओके दोस्तों, पहले काम हमारा, उसके बाद काम से बाद हमारा जो जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं ऐसे ऐसे वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाते रहूँगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।